Hello my dear students, how are you? I hope you all are fine. Welcome back in your English class. Today we are going to start our fourth chapter, which name is Nature's Blessing. आज हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बारिश के बारे में. देखा होगा जो कल बारिश हुई थी, काफी तेज हुई थी. हम उसी से रिलेटेड आज इसमें एग्जाम्पल लेंगे. बारिश तो आप सब लोगों ने देखी ही होगी. बारिश आती है तो क्या होता है, अगर बारिश नहीं आती तो क्या होता है, आज ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बिफोर यू रीड, तो पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी देखते हैं व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम और इट रेन्स हैवीली एवरी डे. तो ये क्या कहते हैं कि क्या होगा अगर काफी लंबे समय तक बारिश ना हो, और तब क्या होता अगर लगातार ही बारिश होती रहे, डेली ही बारिश होती रहे. तो हमारी एक पोयम है, आज हम इस पोयम में क्या पढ़ेंगे, देखो कि बारिश कितनी अच्छी होती है. रेन इन समर, जो गर्मियों में बारिश होती है, जो गर्मियों में बारिश होती है हमारी, वो कितनी अच्छी होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर पोयम. हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन. तो इसमें जो पोएट है वो क्या कहता है, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, बारिश जो है वो कितनी अच्छी है. आफ्टर द डस्ट एंड हीट, अब बारिश के बाद क्या होता है, जो हमारी खिड़कियों पे, पेड़ों पे इतनी सारी डस्ट लगी होती है, वो सारी डस्ट क्या हो जाती है, बारिश के साथ धुल जाती है. तो क्या कहता है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश कितनी अच्छी है. आफ्टर द डस्ट एंड हीट, डस्ट और हीट के बाद, इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट, अब जो हमारी छोटी छोटी गलियां होती हैं, फायरी स्ट्रीट, गलियों में इतनी गर्मी होती है, उन गलियों में, इन द नैरो लेन, जो तंग तंग गलियां होती हैं, सब में उसने राइटर ने बारिश का अलग अलग सीन बताया है कि तंग गलियों में बारिश कैसी लगती है, चौड़ी गलियों में बारिश कैसी लगती है. हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो राइटर कहता है कि इस तरह से बारिश अलग अलग जगह पे कितनी अच्छी लगती है. ओके, सेकंड पैराग्राफ में क्या कहता है, हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द रूफ, तो राइटर इसमें क्या कहता है, हाउ How it clattered along the roofs. Here, clatter means knock, खटखटाना. Means जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा छतों पे बारिश, जब छत पे बारिश गिरती है ना, तो छत पे कैसी आवाज आती है, बड़ी जोरों शोरों की. जब बड़ी जोर की बारिश हो रही होती है तो छत पे ऐसी आवाज आ रही होती है जैसे छत पे कुछ चीज गिर रही हो, जैसे हमारे दरवाजे को कोई ऐसे ऐसे करके नोक कर रहा है. ओके, लाइक द ट्रैम्प ऑफ, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स. यहाँ पे हमारा ट्रैम्प का मीनिंग क्या है, साउंड ऑफ, यहाँ पे ट्रैम्प क्या है, साउंड ऑफ सम स्टेप्स. जैसे हम कोई बोलता है ना, बड़े ही जोर जोर से पाँव को बजाते हुए चलता है, तो कैसे लगता है, जैसे कि कोई पाँव को बड़े ही जोर जोर से बजाते चल रहा है. हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल, अब क्या कहता है कि कैसे ये मूसलाधार बारिश या जो ये बौछारें होती हैं, कितना स्ट्रगल करके, कितना संघर्ष करके, जो पानी का बहुत ज़्यादा बहाव होता है, तेज बहाव होता है, गशेस में मूसलाधार बारिश का तेज बहाव होता है, तो वो कैसे कितना स्ट्रगल करते हुए पानी बहा के अपने साथ बाहर लेके आती है. फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवर फ्लोइंग स्पर, अब यहाँ पे थ्रोट मीन्स या तो हम गला कह सकते हैं, या ओवर फ्लोइंग स्पर, जो हमारी नालियाँ होती हैं, टैप्स होती हैं, वो जब बारिश होती है तो क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाती है ना. जो हमारी टैप्स होती हैं, जो गलियों में नाले बने होते हैं, ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं, वो पूरे भर जाते हैं, उनसे बाहर पानी जाने लगता है. ठीक है, तो वो कितना स्ट्रगल करता है बारिश का पानी बाहर निकलने का. ओके, नेक्स्ट हमारा पहला ग्राफ है अक्रॉस द विंडो पेन. अब देखिए, जब बारिश होती है तो जब अगर हमारी गलती से विंडो खुली रह जाती है तो क्या होती है, विंडो एक बार इधर आ रही है, एक बार इधर आ रही है बारिश के साथ. ठीक है, अक्रॉस द विंडो पेन, अब बारिश हमारी खिड़की के आर पार, अक्रॉस द विंडो पेन, यहाँ पे क्या बताइए, विंडो पेन. ठीक है, इट पोर्स एंड पोर्स, ये क्या करती है, ये बारिश जो बौछारें होती हैं आर पार आती रहती हैं खिड़की के, एंड स्विफ्ट एंड वाइट विद अ मडी टच. अब देखो बारिश का पानी कैसा होता है, जब बारिश का पानी अपने साथ इतनी डस्ट, हीट, डस्ट होती है, उस डस्ट को सारे को धो देता है, तो जमीन पर जब वो पानी पड़ता है तो कैसा हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, मटी हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसमें
ऐसा लगता है जैसे गटर का पानी होता है, तो ऐसे मडी पानी होता है, वो दरिंग एकदम रेन। तो बच्चे वो पॉइंट क्या कहता है कि हम बारिश का अच्छे से स्वागत करते हैं, बहुत ही वेलकम करते हैं, क्या कहता है वेलकम रेन। ओके नेक्स्ट हमारे याद आते हैं, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखे हैं, अब हम उनके मीनिंग देखेंगे इजी लैंग्वेज। ओके फर्स्ट हमारा है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग मीन्स क्या होता है? ग्रीटिंग्स। जब हमें कोई क्या देता है, आशीर्वाद देता है, ठीक है, जैसे या तो कोई हमें चीज गिफ्ट में मिली हो या फिर कोई बड़े हमें कोई आशीर्वाद देते हैं। ओके फायरिंग, फायरिंग का मीन क्या होता है? फ्लेमिंग या फिर कोट कह देते हैं। जब बड़ी गर्मी पड़ती है, जैसे आजकल गर्मी पड़ रही है, गलियां कैसे तप रही हैं, जमीन पे पैर भी नहीं रखा जाता। ओके क्लैटर्स, क्लैटर मीन्स नो खटखटाना। हमने पोयम में देखा था ना, बारिश ऊपर से गिरती है तो कैसा लगता है, जैसे कोई दरवाजे को नोक कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रैम्प। ट्रैम्प मीन्स साउंड ऑफ हैवी स्टेप्स। बारिश आती है, कई बार जब हमारे तेज बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई छत पे आवाज, बड़े ही पैरों की आवाज करते हुए चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? साउंड ऑफ हैवी स्टेप्स, दमदमाहट। गशेस, गशेस मीन्स क्या होता है? टोरेंट, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, या तो मूसलाधार बारिश बोल दो इसको या फिर बोछारे बोल दो, दोनों मीनिंग सेम रहेगा। स्पोक का मीनिंग क्या है यहाँ पे? टैप, नल, ठीक है, थ्रोट, नेक, गल। स्विफ्ट, स्विफ्ट मीन्स फास्ट, तेज। गटर, ये गटर मीन्स ड्रेन, नाला, जो हमारे घरों में भी बनी होती है या फिर गलियों के आसपास दोनों साइडें बनी होती है, उनको क्या बोल देते हैं? गटर, नाला। ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग मीन्स फ्लड, बाढ़। जब पानी का स्तर जो है अपने लेवल को पार कर जाता है, वो नाली से बाहर निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। ओके नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज का एक पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब पोएम में हमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें पोएम में से ये वर्ड्स लिखने हैं। देखिए पहले तो आपको इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इसमें हमें दो चीज पूछी हुई है, एक तो पूछे हुए हैं एंटोनिम्स, एक पूछे हुए हैं सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, एक क्या पूछे हुए हैं? एंटोनिम्स, एक पूछा हुआ है सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स का मीनिंग क्या होता है? एंटोनिम्स का मीनिंग होता है जो हम हिंदी में विलोम शब्द करते हैं, मीन्स हमने क्या बताना है उसका उल्टा विपरीतार्थी शब्द बताना है। और सिनोनिम्स का मीनिंग क्या होता है? समानार्थी शब्द, जो हम हिंदी में समानार्थी शब्द करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ आ रहा होगा ना, कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है, बोर तो नहीं हो रहे? ओके उसके बाद देखते हैं अब अगली, देखो एंटोनिम्स बताना है हमने अगली का। अगली का मीनिंग क्या होता है? अगली मीन्स हम बोल देते हैं बदसा, मीन्स जो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर ना हो, ठीक है, तो उसका समानार्थी क्या बताना है हमें? विपरीतार्थी, एंटोनिम्स बताना है, उल्टा बताना है, तो उसका उल्टा क्या होगा? सुंदर। तो सुंदर को हम क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। आई होप कि आपको साथ के साथ लर्न हो रहा होगा, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। ओके नेक्स्ट हमारा है सिनोनिम्स ऑफ वाइड। अब वाइड क्या होता है? वाइड होता है बहुत ज्यादा चौड़ा। अब चौड़ा का क्या होगा? नैरो यानी ब्रॉड, ठीक है। अब हमने सिनोनिम्स समानार्थी बताना है, वाइड चौड़ा होता है तो चौड़ा क्या होगा? ब्रॉड। अब है एंटोनिम्स ऑफ वाइड। अब वाइड भी हमारा क्या होता है? चौड़ा। अब इसका हमने एंटोनिम्स बताना है यानी विपरीतार्थक बताना है, तो उसका क्या होगा? नैरो यानी जो टाइट, बिल्कुल पतली सी गली हो सकती है। अ रोड विद हाउसेस एंड बिल्डिंग ऑन वन और बोथ साइड। एक रोड जिसपे या तो एक साइड घर बने हुए हैं या फिर दोनों साइड घर बने हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रीट्स, जो हम अपनी अपने गाँव में भी देखते होंगे आप, बीच में गली है, दोनों साइड आपके हाउसेज बने हुए, तो वो क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीट। अ पीस ऑफ ग्लास यूज्ड इन अ विंडो। अब जैसे हमारी घरों में विंडो लगी होती है, विंडो के बीच में हम क्या लगाते हैं? मिरर लगवाते हैं, उस मिरर को क्या बोलते हैं? पेन। ओके सिनोनिम्स ऑफ फास्ट। अब सिनोनिम, पहले सिनोनिम का मीनिंग समानार्थी यानी उसके जैसा वर्ब, तो फास्ट, फास्ट का सिनोनिम क्या होगा? रैपिड। रैपिड को हम क्या बोल देते हैं? लगातार, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हम अब तक क्या डिस्कस कर चुके हैं, अपनी पोयम डिस्कस कर चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस कर चुके हैं, वर्ड मीनिंग हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन, इसके बाद हमारा पार्ट बी है और पार्ट बी के हमारे क्वेश्चन देखिए। लुक एट द फाइनल वर्ड ऑफ ईच लाइन एंड फाइंड, लुक एट द फाइनल वर्ड ऑफ ईच लाइन, हर लाइन का फाइनल वर्ड देखिए एंड फाइंड अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा दैट राइम्स विद इट। लास्ट वर्ड देखना है और हमने उसी पैराग्राफ में से, उसी स्टैंजा में से, उसी की जैसे साउंड वाला राइमिंग वर्ड देखना है। राइमिंग वर्ड मैं आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में करा चुकी हूँ कि राइमिंग वर्ड जिनके साउंड सेम होते हैं, जिनकी लास्ट की साउंड बिल्कुल सेम होती है। राइट डाउन ऑल द सेट्स ऑफ राइमिंग। अब हमने जैसे रूट्स, अब रूट्स की देखो कुफ, अब लास्ट साउंड क्या है, सेम है। आउट स्पाउट, वाइट टाइट, हीट स्ट्रीट, क्या होता है राइमिंग वर्ड का, हमारी साउंड एंडिंग साउंड जो होती है वो सेम होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर टू, आर द स्पेलिंग्स ऑफ द राइमिंग पेयर ऑलवेज द सेम, गिव एन एग्जांपल फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर आंसर। तो पहले बेटा क्वेश्चन को समझो अच्छे से, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो आंसर देने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्या राइमिंग वर्ड की स्पेलिंग हमेशा सेम होती है, आप एग्जांपल देके बताइए। तो हमने क्या देखा है, राइमिंग वर्ड की एंडिंग साउंड सेम होती है, स्पेलिंग सेम नहीं होती, ठीक है। नो द स्पेलिंग्स ऑफ द राइमिंग पेयर ऑलवेज डू नॉट सेम, हमेशा सेम नहीं हो सकती, कभी कभी सेम हो सकती है बट हमेशा सेम नहीं होगी। बिकॉज राइमिंग वर्ड्स हैज अ सेम एंडिंग साउंड, क्योंकि उनकी एंडिंग साउंड सेम होती है, लाइक हीट स्ट्रीट, ठीक है, जैसे हीट स्ट्रीट एंडिंग साउंड सेम है राइम की। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट डी आता है, पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर देखिए। What does the rain water struggle to come out of the spout? अब जो रेन वाटर होता है वो स्पाउट नाले से बाहर आने के लिए किस तरह से क्या संघर्ष करता है, क्यों संघर्ष करता है। The rain water has to struggle to come out of the spout because the rains have taken place after a long time, क्योंकि बारिश काफी टाइम के बाद हुई थी। And there is plenty of और वो बारिश जो थी काफी मात्रा में हुई थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। जब तेज बारिश होती है तो हमारा पानी जो है अपने लेवल को क्रॉस कर जाता है और उस पानी को अपनी जगह ढूंढने के लिए, निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू हमारा आता है, इन विच सीजन डज इट रेन इन इंडिया, व्हाई डू यू थिंक वी मोस्ट एग्री फॉर द रेन स्पॉट। तो क्वेश्चन की हिंदी देखिए पहले, इन विच सीजन डज इट रेन इन इंडिया, इंडिया में कौन से सीजन में बारिश होती है। Why do you think we most wait for the rain? और हम बारिश के लिए बड़ी ही उत्सुकता से वेट क्यों करते हैं। तो ये तो आप सबको ही पता होगा कि इंडिया में बारिश कौन से मौसम में होती है, मानसून के मौसम में होती है, आप सब अच्छे से जानते होंगे, ओके। और हम बारिश का वेट क्यों करते हैं, देखिए एक तो जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हम क्या सोचते हैं, काश कि बारिश हो जाए। कई बार क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उनको अपनी क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए बारिश की काफ़ी नीड होती है। In monsoon or rainy season, rain is very important for farmers and because of high temperature, wait again for rain. जब गर्मी इतनी बढ़ जाती है, टेम्परेचर जो तापमान होता है वो इतना बढ़ जाता है, उसके बाद हम वेट करते हैं कि काश की बारिश हो जाए। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट आता है, पार्ट नंबर ई, हैज द रेन कम आफ्टर अ लॉन्ग और शॉर्ट इंटरवल, एक्सप्लेन योर आंसर। कि क्या जो बारिश होती है आफ्टर अ लॉन्ग और शॉर्ट इंटरवल, बारिश एक लंबे समय के बाद और थोड़े समय के बाद आती है, अपने आंसर को सपोर्ट कीजिए। यस द रेन कम आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स स्पॉन्टेनियसली कटिंग द ट्रीज। अब काफी समय के बाद बारिश होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो इंसान है वो नेचर की जो जो चीजें हैं उसको खत्म करता जा रहा है, पेड़ है पेड़ों की कटाई करता जा रहा है, जंगल है उनको साफ करते जा रहे हैं, जिनकी वजह से बारिश होती है, ह्यूमन बीइंग ने उन्हीं चीजों को सबको नष्ट कर दिया है, इस वजह से बारिश आने में प्रॉब्लम होती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द पोएम दैट रेनफॉल इज हैविंग। अब कौन सी लाइन है जो हमें बताती है कि जो रेन है वो काफी हैवी है। द लाइन इन द पोएम, इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। जो बारिश है वो क्या करती है, नालों में से बड़े ही स्ट्रगल के साथ बाहर निकलती है,
tells us the rainfall is heavy. हमने लाइन देखी थी ना पोयम में कि वो नालों में से बड़ा संघर्ष करके बाहर निकल रहा है, ओवरफ्लो हो जाता है, बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है. तो वो लाइन हमें बताती है कि बारिश बड़ी तेज है. वो हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं था, उसके बाद हमारा क्वेश्चन और भी है. देखो लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट सेकंड था. हाउ डज द पोएट फील अबाउट द रेन, गिव एग्जांपल फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर आंसर. तो पहले हम क्वेश्चन समझिए. हाउ डज द पोएट फील अबाउट द रेन, जो पोएट है वो बारिश के बारे में कैसा फील कर रहा है. ठीक है, गिव एग्जांपल, एग्जांपल्स दीजिए. द पोएट फील वेरी हैप्पी व्हेन द रेन स्टार्ट. अब हमने देखा था वो क्या कहता है, जब बारिश शुरू हुई, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन. क्या कह रहा है वो कि बारिश कितनी अच्छी है, बारिश तो सबको अच्छी लगती है. छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बारिश में नहाना शुरू कर देते हैं जब बारिश आती है. तो पोएट भी क्या है, बड़ा ही हैप्पी है व्हेन द रेन स्टार्ट. एग्जांपल द पोएट सेज हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन. वो लास्ट में भी कहता है कि बारिश कितनी अच्छी है, वो बारिश को अच्छे से वेलकम करता है. ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या है, बड़ा ही हैप्पी है. और ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, इस लाइन से हमें पता लग रहा है कि बारिश जो है कितनी अच्छी है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्लास फोर्थ का फोर्थ चैप्टर फिनिश होता है. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.